स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा, और कोमान कॉन्सेप्ट स्कूल कृष्णा नगर यूसुफ गुड़ा। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 21 जून की देखते हैं स्पीड न्यूज। गर्मी की शिदत से जाँ बहक होने वाले हाजियों की तादाद 1000 से तजावुज, सऊदी अम्बेसी ने की वजाहत। कहा, बेशतर महलूक हाजियों के पास नहीं था हज का इजाजतनामा। गजा व रफा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में मजीद फलस्तीनियों की शहादतें। वस्ती गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर रात भर की बमबारी, कई कैंपों को भी बनाया निशाना। रफा शहर में घुसने वाले इसराइली फौजियों को मौत का सामना। अलकसाम ब्रिगेड्स ने 2 इसराइली टैंक तबाह, मुतादिद इसराइली फौजियों को हलाक करने का किया दावा। हमास के कैद में अब भी 50 के करीब कैदी जिंदा, अमेरिकी हुकाम ने जाहिर किया अंदाजा। साथ ही कहा, इसराइल अभी हमास को तबाह करने के करीब नहीं पहुंचा। हमास को खत्म करना नामुमकिन, हमास एक सोच और नजरिया है जिसे नहीं किया जा सकता खत्म, इसराइली फौज के स्पोक्स पर्सन डैनियल ने किया एतराफ। हमास के गजा सरबरा यहया सिनवर तक पहुंचने में दुश्वारी का इसराइली फौज ने किया एतराफ। कहा, खाबिस फौज ने जंग में अदा की भारी कीमत। तरवीफ में कैदियों को फौरी छुड़वाने के लिए नेतन्याहू के घर के सामने इसराइली शहरियों का एहतजाज। नेतन्याहू मुर्दाबाद, इस्तीफा दो के लगाए नारे। इसराइल ने लेबनान पर हमले के लिए तैयारियां की शुरू, तो हिजबुल्ला चीफ ने किया खबरदार। कहा, अगर लेबनान पर किया बड़ा हमला तो ऐसी खुली जंग का ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी कोई हद मुकर्रर नहीं होगी। हालिया अमेरिका से हथियारों की भीख मांगने के दौरान नेतन्याहू ने बाइडन इंतजामिया को बनाया था निशाना। नेतन्याहू के बयान पर व्हाइट हाउस मायूस, बढ़ सकती है दोनों मुल्कों में कशीदगी। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के फौरी बाद ईडी पहुंची हाईकोर्ट, समाअत के पूरा होने तक हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर लगाई रोक। केजरीवाल की जमानत पर रोक, केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल बरहम। कहा, मुल्क में तानाशाही इतनी बढ़ गई कि ईडी किसी को छूट भी नहीं देना चाहती। नीट में बेकायदगियों और यूजीसी नेट एग्जाम की मनसूखी, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर का आया बयान, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, एक आला कमेटी तश्कील। मुल्क भर में कांग्रेस कारकुनों का एग्जाम्स में धांधली के खिलाफ एहतजाज। राहुल गांधी ने कहा, भाजपा हुकूमत वाली रियासतें बन गई है एजुकेशन माफिया की लेबोरेटरी। सुना है मोदी जी ने रूस यूक्रेन और इसराइल गजा की रुकवा दी थी जंग, लेकिन नहीं रोक पा रहे पेपर लीक। राहुल गांधी का पेपर लीक मामले पर जोरदार तंज। गुजरात की कंपनी ने करवाया यूपी पुलिस भर्ती का पेपर लीक, अखिलेश यादव का बड़ा दावा। कहा, भाजपाइयों की है यही पहचान, झूठों को काम, झूठों को सलाम। पेपर लीक मामला, असदुद्दीन ओवैसी की मोदी सरकार पर तनकीद। कहा, मजाक बनकर रह गया है एग्जाम। पूछा, पेपर लीक नौकरी ना देने का बहाना तो नहीं। महाराष्ट्र लोकसभा इलेक्शन में शानदार कारकर्दगी के बाद अब इंडिया अलायंस लीडर्स का बड़ा ऐलान, कांग्रेस ठाकरे और शरद पवार साथ मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन। बिहार में रिजर्वेशन पर रोक लगने की खबर पर तेजस्वी यादव का रद्द अमल। कहा, भाजपा रिजर्वेशन के सख्त मुखालिफ, हमें पहले ही था शक, ये लोग रिजर्वेशन खत्म करने की करेंगे कोशिश। दिल्ली में पानी के मसले के हल के लिए आम आदमी पार्टी मिनिस्टर आतिशी की भूख हड़ताल। संजय सिंह ने कहा, बीजेपी वालों के अंदर भरी हुई है जालिमियत। लोकसभा इलेक्शन में मुकम्मल सफाई के बाद अब बीआरएस को एक और बड़ा झटका। साबिक असेंबली स्पीकर व सीनियर बीआरएस कायद पुचाराम श्रीनिवास रेड्डी कांग्रेस में शामिल। पुचाराम श्रीनिवास रेड्डी की कांग्रेस में शमूलियत, साबिक स्पीकर की खयामगाह के सामने बीआरएस कारकुनों का धरना, बालका सुमत समेत कई कायदीन गिरफ्तार। फरीजाए हज की अदायगी के बाद तेलंगाना के हुज्जाज कराम के काफिलों की वापसी का 23 जून से होगा आगाज, 8 जुलाई तक हुज्जाज की वतन वापसी का रहेगा जारी।
तेलंगाना कांग्रेस एमएलए मेडीपल्ली सत्यम की अहलिया ने फांसी लगाकर कर ली खुदकशी। खुदकशी की वजह नहीं हो सकी मालूम, पुलिस मसरूफ तहकीकात। हैदराबाद के लिए 24 जून तक हल्की और गरज चमक के साथ बारिश की पेशकयासी। महकमे मौसमियात ने जारी किया येलो अलर्ट, तेज हवाएं चलने का भी इम्कान। हैदराबाद में सोने की कीमतों में भारी इजाफा, 24 कैरेट सोना 75,000 रुपए जबकि प्योर चांदी 925 रुपए फी 10 ग्राम दर्ज। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर। शिफा क्लिनिक, दौरे हाजिर के मुख्तलिफ अमराज के मुकम्मल इलाज की जमानत। शुगर चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, शुगर का इलाज मुमकिन है। आपका इंसुलिन भी छूट सकता है, किडनी प्रॉब्लम भी होगा कंट्रोल, डायलिसिस करवाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। एक बार राब्ता करके देखिए। शुगर और बीपी के लिए लाइफ लॉन्ग नहीं लेनी पड़ेगी दवाई। डायबिटिक फूड, शुगर के जख्म और दीगर स्किन इन्फेक्शंस का भी होगा मुकम्मल इलाज। मजीद ताखिर किए बगैर डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान से करें मुलाकात। गारंटीड ट्रीटमेंट, शिफा क्लिनिक कुकटपल्ली और टोली चौक। आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की जमानत कोमान कॉन्सेप्ट स्कूल। वाजबी फीस में मियारी तालीम, काबिल और ट्रेंड बेहतरीन टीचर्स की ज़ेरे निगरानी, दीनी और असरी उलूम एक साथ, जदीद तरीन साइंस एंड कंप्यूटर लैब। बनाइए अपने बच्चों को हुफाज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एंटरप्रेनर्स या लीडर्स। बच्चों के शख्सियत की तामीर पर खुसूसी तवज्जो, मुफ्त दाखले जारी हैं। कोमान कॉन्सेप्ट स्कूल के डायरेक्टर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद बिन तैयब की सरपरस्ती में स्टूडेंट्स की अखलाकी और रूहानी तरबियत का खसूसी मरकज। पेरेंट्स टीचर्स मीट में जानिए बच्चों की प्रोग्रेस। एडमिशंस आर ओपन। कोमान कॉन्सेप्ट स्कूल, इल्म की रोशनी से होगा हर घर रोशन।